नाम है आपका? अपूर्वा, अपूर्वा गांधी। अपूर्वा की कौन सी मूवी आपने डायरेक्ट की? मैंने डायरेक्ट करी है गुड बाय लव। अच्छा, क्या संदेश जाएगा उस और उस मूवी को क्यों देखना चाहिए लोगों? उस मूवी को लोगों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मेंटल हेल्थ इंडिया में एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक नहीं है और लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए लोगों को उसको समझना चाहिए अच्छी तरीके से और सही लोगों के द्वारा, तो इसलिए मेंटल हेल्थ के मैसेज के ऊपर रखी है। ऐसा क्या है वो फिल्म? मेंटल हेल्थ में एक पर्टिकुलर लोगों को इशू होता है जिसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बनाई गई है ये। ऐसी मूवी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में लोगों के पास मॉडर्नाइजेशन में बहुत कुछ आ गया है और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है इंटरनेट की वजह से, मगर लोगों के पास बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी है और लोगों को अभी तक ये डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पीपल हु हैव दीज इशूज़, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग भी, ये इंसान भी हमारे जैसे हैं, उनको भी हमारे जैसे इशूज़ होते हैं, इसीलिए इस फिल्म को बनाकर उनको उनसे वो बात करना बहुत ज़रूरी था मेरे हिसाब से। मूवी के माध्यम से क्या संदेश रहेगा जो लोग देखना चाहेंगे? लोगों को यही देख के समझना चाहिए कि पहली बात तो कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स समथिंग दैट ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी कैन डील विद इफ वी टेक द राइट स्टेप्स टुवर्ड्स इट। मेंटल हेल्थ इज अ मेजर सब्जेक्ट हियर, बट एट द सेम टाइम इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ थ्रिलर लव स्टोरी बिटवीन टू पीपल और एंड में ही हमें मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है, तो इसीलिए उस मेंटल हेल्थ तक मैसेज को पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसको एंड में रखा जाए ताकि लोग पहले ही उससे डर के ना भाग जाए। दैट इज़ द पॉइंट। I think it's a very relevant film made in the times that we're living right now. It's a very politically, socially aware film, and we are now living in disturbing times. We're living in times of chaos, and this film reflects that. So I think people should watch the film when they can. It's now available in movie. It's now streaming live on movie, and it's coming on Hotstar next month. So please watch and let me know. क्या है उसमें सर, थोड़ा बताएं यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा उस पिक्चर में? बहुत सी मूवी बनती है आप इस तरीके से। वेल अलग है इन दैट सेंस, इट्स एन 11 मिनट फिल्म विदाउट एनी डायलॉग्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट द फिल्म। सेकंड, द होल फिल्म इज सेंटर्ड अराउंड वन हाउस होल्ड बट टेल्स द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। सो एक हाउस होल्ड से आपको पूरा दुनिया का चीज़ पता चलता है। माय हिंदी इज़ वेरी बैड, सो आई थिंक दैट इज़ द टू मेन आस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म, इज़ वेरी रेलिवेंट टुडे। उसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, वेयर पीपल आर बीइंग किल्ड फॉर द चॉइस ऑफ मीट, फॉर द चॉइस ऑफ फूड। दैट्स व्हाई द मील, द नेम ऑफ द मील, मील मींस बेसिकली द फूड वी ईट। सो इन दैट वे आल्सो इज़ वेरी पॉलिटिकली एंड सोशली वेरी रेलिवेंट फिल्म। एंड पब्लिक के लिए क्या संदेश रहेगा? वो तो फिल्म देखने के बाद ही वो लोग समझ जाएंगे, फिल्म बना दिया तो मेरा काम खत्म। अभी वो हॉटस्टार में आएंगे, अभी वो करेंटली इट्स रनिंग इन मूवी इंडिया, वो खत्म होगा 16th मार्च को, उसके बाद हॉटस्टार में आएंगे। तो कितना फर्क पड़ेगा ये मूवी देखने के बाद फिर भी बताइए? दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल, हाँ, बिकॉज आप अलग तरीके से फिल्म देखेंगे, नज़रिया डिफरेंट होगा, बट इन ऑल इन ऑल मेरा ये चीज़ है कि दिस फिल्म कैन रेज क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड, माई जॉब इज़ डन। ठीक है जी मैम, आपकी कौन सी मूवी है? उसमें क्या ऐसा दिखाया गया कि जनता को क्या संदेश जाएगा उस मूवी से? उसमें एक लड़की है जो कि मुस्लिम है और उसके जो दोस्त हैं उसे सिर्फ ये था मैसेज, ये है कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसे और कैसे एक टिफिन, जिस टिफिन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, खाना नहीं खाते उसके साथ, और कैसे एक दिन उसका खाना चोरी हो जाता है और उसे लगता है कि अरे मेरा खाना तो कोई नहीं खाएगा, बट एक्चुअली कोई खा लेता है, विच गिव्स हर होप कि शी इज़ वन ऑफ देम, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। क्या संदेश जाएगा जनता में? कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में, जो भी आप देख रहे हैं 12 साल के लोग राइट्स में इन्वॉल्व हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये जो जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो क्राइम देख रहे हैं आसपास, जो चीज़ें देख रहे हैं आसपास, वो बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वी शुड जस्ट टेल आवर किड्स की टू नॉट टू डिस्क्रिमिनेट स्पेसिफिक। मैम, जिस तरीके की हिंसाएं चल रही है, क्या लगता है कि जो फिल्म बनाई है किफिन वाली, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा दलित लोगों के लिए जिस तरीके की चलती हैं उनसे? इतना इमीडिएट इम्पैक्ट हमें नहीं समझ में आएगा, अगर हम जैसे फिल्में देखेंगे, अगर वो आपके दिमाग में एक सवाल उठा रही है तो वो एक तरीके का इम्पैक्ट है फिल्म। आई वुड वॉन्ट कि फिल्म देखी जाए और लोग एटलीस्ट ये सवाल सोचें कि क्या हमने अपने स्कूल में ऐसा किया था, क्या हमारे बच्चे भी ऐसी चीज़ कुछ कर रहे हैं, कोई किसी के नाम के
के ऊपर भेदभाव कर रहा है, और नाम नहीं है ना सर, नाम के आगे भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या संदेश रहेगा पब्लिक को आपकी तरफ से? संदेश ये है कि आप इंसान को इंसान समझें, इंसान को इंसान समझें, और मतलब सबका एवरीबडी हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस व्हाट रिलीजन दे वांट टू प्रैक्टिस। देयर इज़ नो रीज़न टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रिलीजन आई एम फॉलोइंग और व्हाट रिलीजन यू आर फॉलोइंग। वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर एवरीबडी शुड बी गिवन रिस्पेक्ट फॉर नो मैटर हू दे आर, वुमन और मैन, एंड दैट्स द मैसेज ऑफ द शो। वैसा क्या था आपका टिफिन जो फिल्म है उसमें क्या एक्टिंग आपने की है, क्या डायलॉग्स आपने बोले हैं उसमें? मेरा नाम शिवानी तिवारी है, उसमें मैं एक फातिमा की फ्रेंड होती और नहीं भी, बिकॉज वो बहुत डिस्क्रिमिनेट होती है फिल्म में, क्योंकि वो शायद से मुस्लिम है या फिर इसलिए, तो उसमें यही है। क्या लगा रियल और रियल की लाइफ में कितना अंतर नज़र आया आपने जो पिक्चर में देखा या दिखाने की कोशिश किया? क्या रियल में भी ऐसी होती है लाइफ में, क्या वाकई ऐसे खाने का जो आपने देखा कि उसके साथ? हाँ, कभी कभार लोगों के साथ होता है, वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं कास्ट की वजह से या अपने रिलीजन की वजह से होते हैं। तो बेटा क्या संदेश जाएगा इस फिल्म को देख कर जनता में? हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने क्या अनुरोध किया है फिल्म को दिखाकर? ठीक है, फेस्टिवल के बारे में बताएं कैसा था और क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था ये? एक्चुअली फिल्म स्क्रीनिंग है, सो हमारा मेन फेस्टिवल नवंबर में होने वाला है, जब तक हम 3 स्क्रीनिंग्स करने वाले हैं, जिसमें हम हैंड पिक शॉर्ट फिल्म, लाइक हम खुद सेलेक्ट करते हैं जो हमें स्क्रीन करनी है, एंड हम फिल्म मेकर्स को बुलाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं। तो मेन यही है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो हम इस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा चाह रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट सिनेमा को मिल सके। तो किस तरह की फिल्म को यहाँ पे सिलेक्ट की? आई थिंक दैट इज़ वन थिंग, और फिल्मों के द्वारा काफ़ी कुछ जानकारी हम लोगों को दे सकते हैं, एंड आई थिंक इस विषय पे भी फिल्म जल्दी बनेगी ज़्यादा। तो आज कहाँ कहाँ से लोग उपस्थित रहे आपके पास? आज दिल्ली NCR अभिरूप जो फिल्म मेकर है कोलकाता से आए हैं, मुंबई के लोग हैं, तो गैदरिंग हमारी ऑल ओवर इंडिया से है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से और आपकी टीम की तरफ से? मेरी टीम की तरफ से यही संदेश रहेगा कि फिल्में बनाइए, फिल्में मोबाइल से भी बन सकती हैं, फिल्में किसी भी इक्विपमेंट से बन सकती है। डज नॉट मैटर कि आप कितनी बड़ी क्रू या कितने सारे इक्विपमेंट के साथ फिल्में बनाते हैं, इट मैटर्स कि आप स्टोरीज कैसे बताते हैं। सो फिल्में बनाते रहें जी। ठीक, थैंक यू।